हेलो एवरीवन, रिसेंटली मॉल्डीव्स ने रिक्वेस्ट किया है चाइना से कि चाइनीज़ टूरिस्ट ह्यूज नंबर में आकर के मॉल्डीव्स का विजिट करें आफ्टर सीइंग अ ह्यूज बैकलैश फ्रॉम द इंडियंस। नाउ द मॉल्डीव्स हैव रियलाइज दैट दे हैव डन अ मेजर जियो पोलिटिकल ब्लंडर। इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। यू कैन सी द इकोनॉमिक टाइम्स सेंट मोर टूरिस्ट, मॉल्डीव्स अपील्स टू चाइना आफ्टर मेजर बैकलैश फ्रॉम द इंडियंस। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, प्रेजिडेंट ऑफ मॉल्डीव्स दैट इज मुइजू, ही इज़ ऑन द विजिट ऑफ चाइना एंड वहाँ पर ही चाइनीज़ टूरिस्ट से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आकर के मॉल्डीव्स को विजिट करें। सो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज़ टूरिस्ट कम्प्लीटली जो है वो नंबर्स दे पाएंगे जो इंडियन टूरिस्ट आते थे उसको रिप्लेस करके एक ह्यूज नंबर दे पाएंगे? कैन दे कम एंड विजिट द मॉल्डीव्स इन अ ह्यूज नंबर? सो द आंसर इज़ नो। ये एक डाटा है 2023 कि जितने भी टूरिस्ट ने विजिट किया था मॉल्डीव्स को, 2 लाख इंडियंस ने लास्ट ईयर विजिट किया मॉल्डीव्स को एंड द सेम गोज फॉर द रशिया एंड 1.87 लाख चाइनीज हैव विजिटेड द मॉल्डिव। सो अगर मॉल्डिव्स को इतने टूरिस्ट चाहिए कि ये नंबर को रिप्लेस चाइनीज़ कर दे, तो लगभग 4 लाख चाइनीज़ को पर ईयर विजिट करना होगा मॉल्डिव्स को, तब जा कर के ये जो नंबर है ये कवर अप हो पाएगा। सो डेफिनेटली इंडियंस का एक डिप्स तो देखने को मिलेगा मॉल्डिव्स को, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हर जगह आपको इंडियंस नाराज़ दिखाई देंगे एंड जो भी डेरोगेटरी कमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ की गई थी उस पर एक गुस्सा जाहिर कर रहे हैं लोग कि वी विल नॉट विजिट मॉल्डीव्स। जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने फैंस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल मॉल्डीव्स मत जाना एंड अपने ही लोकल टूरिज्म को, इंडिया के टूरिज्म को विजिट करें और देखें। इंडिया इज़ अ ह्यूज कोस्ट लाइन, बहुत सारी कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल गोवा, जहाँ पर आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो और अपने ही लोकल टूरिज्म को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो अगर मॉल्डीव्स को ये गैप भरना है, सो हर लाख चाइना से 4 लाख टूरिस्ट को आना होगा, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये जो नंबर है ये तो कंटिन्यूसली एज इट इज़ आते रहेंगे, 1,87,000, लगभग 2 लाख के आसपास टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे मॉल्डीव्स में चाइना से। लेकिन ये जो 2 लाख है इंडियंस, इसमें डिप जरूर देखने को मिलेगा। तो जब ये डिप आएगा इसका बैकलैश मॉल्डीव्स की इकोनॉमी को फेस करना ही करना होगा, क्योंकि अब आप ये देखिए कि ये इंडिया है, इंडिया का तो बहुत पास है मॉल्डीव्स, सो यहाँ से ट्रैवलिंग टाइम, ट्रैवलिंग कॉस्ट सब कुछ कम है, ठीक है। लेकिन एक इंसान जो चाइना से विजिट करेगा मॉल्डीव्स को, वहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा प्लस चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे, ठीक। सो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बनने वाली कि इतना ह्यूज नंबर में आने लगे चाइनीज़ की, 4 लाख पर ईयर या 3.5, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बनने वाली, लेकिन एज इट इज़ चलता रहेगा, ठीक। सो जितना भी बैकलैश को ये तो फेस करना पड़ेगा मॉल्डीव्स को फॉर श्योर। सो नाउ यू कैन सी सम आर्टिकल्स, मॉल्डीव टूरिज्म इंडस्ट्री स्ट्रांगली कंडेम्स डेरोगेटरी कमेंट्स बाय इट्स मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो जो मॉल्डीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री है वो रियलाइज़ हो गया उनको इंटरनेट में वो सब चीज़ देख के, जो भी आउटरेजेस हैं इंडियंस के अंदर, कि एक ह्यूज बैकलैश तो इंडियंस की तरफ से आने वाला है प्लस एक उनकी इकोनॉमी को एक हिट लगने वाला है, क्योंकि जो 28% GDP रेवेन्यू है वो टूरिज़्म से ही आता है मॉल्डीव्स में। सो इतनी हैवी अमाउंट में मॉल्डीव्स डिपेंड करता है टूरिज़्म पर, तो टूरिज़्म सेक्टर में अगर कुछ भी हलचल होती है और इतनी हैवी अगर हलचल होगी तो डेफिनेटली वो तो उनको फील होने वाला है, उनकी इकोनॉमी को एक हिट लगने वाला ही है। सिंसियरली अपोलोजाइज टूर ऑपरेटर्स इन मॉल्डीव सीक नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद इंडिया। सो आप हर जगह देखोगे टूर ऑपरेटर्स जो हैं मॉल्डीव्स के, वो लोग भी सोशल मीडिया पर आकर के अपोलोजाइज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंड वो माफ़ी मांग रहे हैं इंडियंस से, उनको अपने ब्रदर सिस्टर बता रहे हैं। सोशल मीडिया अप्रोर में कोस्ट द मॉल्डीव्स मिलियंस एस फ्यूड विद इंडियन इंडियन वाइव। सो हर जगह कुछ तरीके आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे कि मॉल्डीव्स को उसके लिए मिलियंस पे करना होगा, जो भी उन्होंने किया है, जो भी ब्लंडर हो गया है उनसे, नाउ उनकी इकोनॉमी को डेफिनेटली हिट लगने वाला है। सो जैसे कि इंडिया का एक बड़ी प्राइवेट कंपनी है जो बुकिंग देखती थी या ट्रैवलिंग के लिए बुकिंग देती थी मॉल्डीव्स के लिए, उन्होंने तो सस्पेंड कर दिया मॉल्डीव्स की फ्लाइट्स बुकिंग सारी अमिड इंडिया मॉल्डीव्स रो, जो भी ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, ये डिस्प्यूट है। इस बीच इज माई ट्रिप ने सारी फ्लाइट्स मॉल्डीव्स के लिए सस्पेंड कर दिया करेंटली एंड ही इज़ रिक्वेस्टिंग द CEO ऑफ द इज माई ट्रिप कि आप लोग लक्षद्वीप जाएँ और अपने ही इन लोकल टूरिज्म को एक्सप्लोर करें। ही इज़ द CEO ऑफ इज माई ट्रिप निशांत, ये कह रहे हैं कि आप लोग अयोध्या जाएँ, वहाँ की ब्यूटी को देखें, लक्षद्वीप जाएँ, आपकी कंट्री में इतनी प्यारी प्यारी जगह है घूमने की, वाई टू गो मॉल्डीव्स, से नॉट टू मॉल्डीव्स बुकिंग एंड एक्सप्लोर द वंडर्स ऑफ अयोध्या एंड लक्षद्वीप। सो इज माई ट्रिप के CEO खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि आप लोग वहाँ ना जाएँ। मॉल्डीव्स टूरिज्म बॉडी प्ली टू इज़ माई ट्रिप इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो मॉल्डीव्स की जो टूरिज्म बॉडी है वो इज़ माई ट्रिप के जो CEO है उनसे भी रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ आप इस तरह से बुकिंग कैंसिल मत कीजिए हमारे यहाँ, एंड इंडियंस जो है ज़्यादा नंबर में आए, हम माफ़ी मांगते हैं, जो भी डेरोगेटरी कमेंट्स दी गई थी
वो पर्सनल कैपेसिटी में दी गई थी, और गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ आप आइए। तो मेक माई ट्रिप का एक डाटा कहता है कि 3400% हाइक हुआ है, जहाँ पे लोग लक्षद्वीप के लिए बुकिंग चेक कर रहे थे उनकी वेबसाइट्स पे, या फिर कैसे लक्षद्वीप जा सकते हैं, इस चीज़ को और भी ज़्यादा सर्च किया जा रहा है इंटरनेट पर। सो जैसे बहुत सारे टूरिस्ट से रिलेटेड चीज़ें थी, लेकिन जो मालदीवियंस हेल्थ सेक्टर के लिए इंडिया में आते थे, हॉस्पिटल्स को विजिट करते थे, नाउ दे आर ऑल्सो फियरिंग कि इतनी अगर टेंशन का माहौल बन जाएगा, इतनी डिस्प्यूट होगी, तो उस बीच में मालदीव्स के लिए इंडिया विजिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एंड उनकी हेल्थ काफ़ी सफ़र करेगी इस चीज़ को लेकर के। तो जितनी भी मेजर सर्जरीज होती थी, मेजर जितने भी ट्रीटमेंट्स कराने होते थे, मालदीव्स के लिए सबसे इकोनॉमिकल पड़ता था इंडिया, वो लोग इंडिया आते थे एंड हेल्थ सेक्टर में काफ़ी पैसा खर्च करते थे यहाँ पर आकर के, एंड अपनी जो है हेल्थ सर्विसेज इंडिया से लेते थे। सो नाउ लक्षद्वीप में खाली लक्षद्वीप जब से न्यूज़ में आया, उसमें बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं कि वहाँ को उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया जाएगा। गवर्नमेंट का कहना ये है कि वहाँ पे एक नया एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा एट मिनिकॉय आइलैंड, ताकि वो मिलिट्री और सिविलियन ऑपरेशंस के लिए ओपन किया जा सके, और बहुत सारे टूरिस्ट लक्षद्वीप को आकर के विजिट कर सके। तो रिसेंटली टाटा ग्रुप ने एक प्रपोजल रखा है कि टू ताज ब्रांडेड रिसोर्ट्स ऑन स्वेली एंड कदमत आइलैंड लक्षद्वीप, रोम सूट्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ टाटा ग्रुप होटल्स। तो रिसेंटली आप बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप के अंदर, जहाँ पे होटल्स होंगे, रिजॉर्ट्स होंगे, एंड बहुत ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की जाएगी लक्षद्वीप में उसको डेवलप करने में। एंड नाउ इंडियंस विल बी ट्राई टू मतलब मॉलडिक्स के इक्वलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके, इस चीज़ के लिए डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं, एंड एक ब्यूटीफुल अपने लोकल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके और बहुत अच्छे से वहाँ पर डेवलपमेंट की जा सके। तो करेंटली दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।